तो हेलो गाइस, तो आज की स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं बिना मल्टीमीटर का एक टेस्ट है। कैसे बनाते हैं मैं लेकर अंदर बुढ़ी पूरी वॉच करना चाहिए अपने चैनल को लेकिन क्या कहना, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस को बनाने के लिए हम बजट ले रहे हैं, आपको पता ही होगा हमने अनबॉक्सिंग वीडियो में अनबॉक्स की थी। इसकी बड़ी लेग प्लस होती है, छोटी लेग माइनस होती है। कुछ इस प्रकार से हम एक बजट ले रहे हैं मिनी सा, और हम एलिगेटर क्लिप ले रहे हैं। हमने इस अनबॉक्सिंग वीडियो में अनबॉक्स की थी, ये दो एलिगेटर क्लिप ले रहे हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से आप पेन की सहायता से भी इसको बना सकते हो प्रोजेक्ट को। और हमें ना 100K के रेजिस्टेंस की आवश्यकता लेंगे, एक पीस 100K का एक रेजिस्टेंस ये होगा अपन को। इसके आप कलर कोड देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ये गोल्डन येलो ब्लैक और चॉकलेटी कलर, ओके है इस कुछ इस प्रकार से है। और ये हम 5mm में LED लाइट ले रहे हैं रेड, ये बड़ी लेके जो प्लस है, छोटी लेके जो माइनस है। और एक हम लिथियम बैटरी ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आप ले सकते हो इसका। आप ना, मैं चार्जिंग मॉड्यूल नहीं ले रहा हूँ, आप चार्जिंग मॉड्यूल भी लगा सकते हो, इसके प्लस माइनस लगाने और कुछ नहीं है। और एक पीवी शीट, इस पर मार्किंग करते हैं जल्दी से। और फिर ये वैसे ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस ना सा बन के रेडी हो जाएगा। ओके गाइस, तो इसके पीसेस कट करते हैं जल्दी से। तो गाइस हमने कुछ इस प्रकार से पीसेस को कट कर लिया, इसको जल्दी से चिपकाते हैं, फिर से आपसे मिलते हैं। पहले इनको चिपकाएंगे सारे को, फिर ना सारे को तो नहीं, इसका ना पहले ऊपर टॉप को खुला रखना पड़ेगा, फिर इसके अंदर ये सर्किट्स लगाने पड़ेंगे हमारे कुछ इस प्रकार से। इसलिए इसको पहले ना ऐसे लगाते हैं, यहाँ से पीछे से बंद कर देंगे, यहाँ से बंद कर देंगे, ऊपर लगाएंगे हम बजर को LED लाइट को। ओके गाइस, तो इतना सा प्रोजेक्ट काम, इसको पहले चिपकाएंगे जल्दी से। तो गाइस हमारे ये बॉक्स तो बन के रेडी हो चुका है कुछ इस प्रकार से। हमने इसमें ना लिथियम बैटरी आ सकेगी, जैसे कुछ इस प्रकार लिथियम बैटरी आ जाएगी, इसमें कुछ सर्किट्स लगाएंगे इसलिए वो ना सर्किट आ सकेंगे। तो गाइस इसके ना सर्किट्स को पहले लगाते हैं जल्दी से, कुछ इस प्रकार से लगाने हैं। बजर के माइनस को और LED के माइनस को यहाँ पे शोल्ड कर देना है, जल्दी से कर देते हैं शोल्ड। तो गाइस हमने इसकी शोल्ड तो कर लिया है, अब ना इसके ना LED के ना यहाँ पे ऐसे लेग को, प्लस की लेग को ना ऐसे कर लेना है आपको। और यहाँ पे एक आपको 100K का रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऐसे शोल्ड कर देना है, इसके प्लस को शोल्ड कर देंगे जल्दी। तो गाइस हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शोल्ड तो कर लिया है, अब क्या करना है, हमने ना वो लिथियम बैटरी चेंज कर ली है, इसके ना इसके प्लस को ना हमने यहाँ पे जोड़ना है, ये एक वायर को निकाल लेना है और एक यहाँ पे प्लस वायर लगाना है, यहाँ से निकाल लेना है, दो वायर निकल जाएंगे प्लस प्लस के, और ये माइनस के यहाँ पे शोल्ड कर देना है बीच वाली को। मैं जल्दी से यहाँ से इसकी बैटरी कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आपसे समझ जाऊँगा। तो गाइस हमने कुछ इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन तो कर लिए हैं, इसके माइनस को हमने बजर के माइनस और LED के माइनस पे जोड़ दिया है बैटरी के माइनस को। ओके, और प्लस बजर के प्लस को हमने यहाँ से निकाल लिया, ब्लैक वायर लगाए, यानी कि गाइस ने प्लस है, आप समझोगे कि माइनस है, पर गाइस ने प्लस का ना बजर का प्लस है और LED का प्लस है। और ये प्लस वायर है, इसको यहाँ से आप लगाएंगे तो बजने लग जाएगा और LED ग्लो करने लग जाएगी। तो हम ना ये एलिगेटर क्लिप लगाएंगे, इसे ना अपन हम यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए बहुत आसानी से हो जाएगा कि ना इसमें हमारे को बार बार वायर टूटने की समस्या नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे इस दोनों के शोल्डिंग कर देंगे एलिगेटर क्लिप्स। तो गाइस हमने एलिगेटर क्लिप तो लगा लिया कुछ इस प्रकार से, अभी ना टच करूंगा तो बोलने लग जाएगा। गाइस हमने इसके अंदर छेद तो कर लिया, इसको ना फिर से अनशोल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर से यहाँ पे लगाना पड़ेगा। गाइस मैं आपके लिखाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इसलिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो गाइस इसके अंदर ये बैटरी लगानी पड़ेगी और ये लगाएंगे बाय, और इसको ना यहाँ ऊपर लगाएंगे जिससे अपन को दिखती रहेगी ना ये LED चल रही है और बजर बज रहा है। तो गाइस को जल्दी से इसके अंदर फिट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। हमने गाइस असेंबल तो कर दिया है, इसके ऊपर हम छेद करेंगे और ये LED और बजर को निकाल लेंगे। तो गाइस हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकाल लिया, इसको जल्दी से अंदर लगा देते हैं, फिर से अब इसकी टेस्टिंग करेंगे कि कैसा वर्क करता है। तो गाइस आपके सामने पेश एक अपना ये टेस्टर, तो कैसा लग रहा है गाइस, इसके लिए लाइक करना बनता है और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखो गाइस इसको ना कैसे करता है टेस्टिंग, देख सकते हो। देखो गाइस यहाँ पे LED लाइट ग्लो कर रही है और बजर ऑन हो गया, देखो अभी ना बोलेगा, देखना गाइस ये क्या टच किया, देखो इसे हम क्या टेस्टिंग करते हैं। मैं आपको एक चीज़ ला के दिखाता हूँ, कुछ कॉम्पोनेंट्स आपको फिर दिखाएगा, पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि गाइस हमारे पास 3 पिन वाली ऑडियो जैक है, इसको अपन को पता करना है कि ये कौन सी पिन कहाँ पे, मेरे को भी पता नहीं है। तो कैसे इसको पता करेंगे, तो इसको ऐसे लगा देना क्लिप्स को
वो यहाँ पे देखना है सबको टच करके। देखो गाइस ये व्हाइट वाली ना ये ऊपर ऊपर वाली पिन है, वो नीचली वाली कौन सी है तो देखते हैं। ये रेड वाली बीच वाली है, बीच वाली है, रेड वाली है। ओके वो ग्राउंड वाली कौन सी है अब देखते हैं। ये नीचे लगा दी हमने और ये अब देखते हैं, देखते हुए वर्क कर रहा है, देखते हुए कुछ इस प्रकार से इसको भी टेस्ट कर सकते हैं हम, टेस्टिंग कर सकते हैं बहुत अच्छा नीचे। और अब है ना हम एक चार्जेस से देखेंगे कि इसको कैसे वर्क करते, एक रेजिस्टेंस को ही देख लेते हैं हम, है ना ये 100K आपको पता ही है। अब देखते हैं नहीं बज रहा है, देखो गाइस नहीं बज रहा है क्योंकि ना ये 100K ना एलईडी लाइट ना ज़्यादा ग्लो नहीं कर सकेगी, हमने पहले इसमें ना 100K का लगाया है और 100K लगाएंगे तो ज़्यादा नहीं चलेगी एलईडी लाइट। तो गाइस अब ना हम डीसी मोटर टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। डीसी मोटर से हमारे पास इसकी ना अपन की वाइंडिंग सही होती होगी तो ना ये चल जाएगा, वो नहीं चल होगी तो ना टूट जाएगा। देखो गाइस चल रहा है, यानी कि इसकी वाइंडिंग पूरी कम्प्लीटली सही है, जैसे कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर कौन सा भी वायर टूटा होगा तो फिर ना ये एलईडी लाइट वर्क नहीं करेगी। जैसे कि अपने पास है ना ये एक एलईडी लाइट है 12, ये हमारे पास इसको भी टेस्ट करके दिखाएंगे। पहले ना अपन ये देखते हैं, ये हमारे पास सॉकेट है, इसका हमारे ऊपर ब्राइटनेस पता नहीं है कि कौन सी कहाँ पे वायर जाती है, तो हमारे को ये देखते तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर करना है। इसमें दो में टेस्टिंग आ रही है, जैसे इसमें आ रही है, अब ना इसके नीचे लगाते हैं, देख सकते हो इसमें भी नहीं आ रही है। देखो जैसे हम इसके नीचे लगाएंगे, देखो गाइस इसको सही लगाना पड़ेगा। देखो गाइस वर्क करने लगा, यानी कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इस एलईडी लाइट को देखते कि देखते पता कर पाती है चलती है या नहीं चलती है या नहीं। इससे जो 12 वोल्ट है इसलिए नहीं ग्ले करेगी, देख सकते हो कोई इस प्रकार से नहीं कर रही है। ओके और जैसे कि अपने पास ये बैटरी है, इसका अपने को प्लस माइनस भी पता नहीं है, तो अपन ने ना इससे भी देख सकते हैं कि नहीं चल रही है। और अब ना इसके ऊपर इस पे माइनस पे लगाएंगे, देखते हैं कि ये चलती है फिर नहीं, देखते हैं गाइस। देखो गाइस इसका अपने को प्लस माइनस भी पता चल गया, देखो इसका माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है। अब इसमें हम माइनस से प्लस लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे चलती है नहीं। देखते हो गाइस अभी आपके सामने नहीं चल रही है। अब इसके ना प्लस पे ना माइनस, माइनस के प्लस पे लगाते हैं। अब देखो गाइस अभी आपको एलईडी लाइट ग्लो नहीं कर रही है। देखो गाइस थोड़ी थोड़ी एलईडी लाइट ग्लो कर रही है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है गाइस, आज आप देखा होगा कि ऐसे वर्क करता है और आप इसको बना सकते हो बहुत चीप रेट में, बन के रेडी हो जाएगा आपको ये। आपको ना मीना मल्टीमीटर के बहुत अच्छा काम कर देगा, देखो कितने अच्छे से अभी इसकी एलईडी लाइट देखते कितनी ग्लो करती है। देखते हो अभी टॉर्च चल रही है मोबाइल की, देखते हो कितनी ग्लो कर रही है। मोबाइल की लाइट को बंद करके देखते हैं कि कैसा वर्क करता है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, देखते हो देखना गाइस कुछ इस प्रकार से ना ये बहुत अच्छी है। कोई है होगा आप भी इसको बना लेना, बहुत चीप रेट में बन के रेड जाएगा आपको ना 10-20 रुपये में बन के रेडी हो जाएगा ये वाला मल्टीमीटर, मिनी मल्टीमीटर। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जैसे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना ज़्यादा शेयर करना, तो आप चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी न्यूदार मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।